मेरे एक सब्सक्राइबर का लग्जमबर्ग का फ्री वर्क वीजा उसने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जो कि जॉब ऑफर लेटर ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है आपके सामने अप्रूव। आप लोग भी अगर ऐसे ही लग्जमबर्ग का फ्री वीजा हासिल करना चाहते हैं तो ये क्या तरीकेकार है, कैसे एप्लीकेशन सबमिट करनी है? आप मेल है तो मिस्टर करें, फीमेल है तो मिसिस करें, ये नीचे डाइवर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट दें अपनी लाइफ के मुझे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी इस वीडियो के बाद। लग्जमबर्ग में इस टाइम के ऊपर बहुत सारी जॉब वैकेंसीज चल रही हैं। 3000 से 3500 यूरो तक सैलरी है, अकोमोडेशन फूड कंपनी का वीजा सब कुछ कंपनी देगी आपको। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। आज मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका समझाता हूं कि आप लोग इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूं। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते थे कि सर आप नंबर क्यों नहीं देते, अपना नंबर दें हम आपसे बातचीत कर सकें। देखें उसमें कुछ रीजंस थी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप इंस्टा पे तो रिप्लाई नहीं करते। बिल्कुल यार ऐसा ही है, इंस्टा पे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बंदे को रिप्लाई करो, हजारों मैसेज ऊपर आए होते हैं, उसकी कन्वर्सेशन नीचे चली जाती थी। आज मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर मैसेज करिएगा, आप काले ना करने लग पड़ना, मैसेज करें आप मुझे। जैसे मैं फ्री हुआ मैं इंशाल्लाह खुद कॉल बैक करूंगा आपको। आप मुझे सिर्फ लिख दें अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, तो मैं फलां फलां सिटी से फलां बात कर रहा हूं, मेरा ये मसला है। अपना कोशिश करेंगे मसला शेयर करें, नहीं तो आप वॉइस मैसेज ही कर दें मुझे। वॉइस मैसेज भी नहीं करना, अगर मुझे कॉल ही करनी है तो मेहरबानी करें कि कॉल मैं आपको खुद करूंगा, आपने SMS कर देना, फ्री होकर रब्ता करें। नंबर ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, नंबर मेरा नोट कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको यूरोपा CV बनवानी है आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो, किसी दो नंबर बंदे के पास नहीं जाना और टेंशन परेशानी है आपकी। ऐसा ऐसा मैंने बोला है ना आपको कि यार थोड़ा सा टाइम दे, ऐसा ऐसा सब क्लियर कर दूंगा। अच्छा अब बात करता हूं कि लग्जमबर्ग के अंदर जॉब्स के लिए। देखें लग्जमबर्ग में इस टाइम के ऊपर बहुत सारी जॉब वैकेंसीज चल रही हैं। ये जो लड़के का जॉब ऑफर लेटर आया है ये एक बार अप्लाई करने से, दो बार अप्लाई करने से नहीं आया। ऐसे मैं आपको बोल दूं और आप अप्लाई करें जी आपको रिप्लाई ना आए तो मैं ऐसे आपको बातें सुनाता रहूं, ऐसा नहीं है भाईजान। तकरीबन 6 से 7 महीने से वो बेचारा मेहनत कर रहा है, ठीक है। उसने मुझे बताया, सारी मेरी डिटेल के साथ बात हुई, इंस्टा पे बात हुई है, अभी मैंने वो व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं दिया, इंशाल्लाह मैं अभी दे रहा हूँ, और मेरी बात हुई है उससे। उसने मुझे बोला है कि सर मैं बहुत इसके अंदर मैंने टाइम स्पेंड किया है, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट उसकी जितनी भी हेल्प हुई मैं हाजिर हूँ भाई के लिए, क्योंकि यार अब उसने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, अब नेक्स्ट उसको नहीं पता तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जान बहुत सारी जॉब्स इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां पर पहले तरीकाकार देख लें, समझ लें, वीडियो को छोड़ के मत भागा करें, ठीक है ना यार। मैं तो अनु कुछ ना कुछ सुखाउन बैठा, थोड़े भले वास्ते बैठा ना। चलें ये देख के आप फिर आए, हम नेक्स्ट मैं एक दो बातें करनी वो करके फिर इंशाल्लाह इजाजत। अच्छा जी, तो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला डेस्कटॉप साइट के ऊपर खुल के आ जाएगा। ये जॉब लिस्ट है, ठीक है, ये वेबसाइट है उनकी, जॉब लिस्ट है, जॉब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लगा के जोन सा भी सिटी है, कंट्री है, ठीक है, सारा आपने लग्जमबर्ग का करना है। आप यहां पर टाइटल भी लिख सकते हो कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग की जॉब है, बहुत सारी जॉब हैं यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जब आप इस साइट के ऊपर आओगे तो इसकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच में होगी, आपने यहां पे जाके ट्रांसलेट के ऊपर जाके आपने कर लेना, क्योंकि मैंने तो अब की हुई है। तो ये आपके सामने जॉब सारी आ रही है। अच्छा अब मैं आपको समझाने के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, सही हो गया। ये आप जॉब है आपके पास, चले मैं यहाँ से कोई सी भी ले लेता हूँ। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग की जॉब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मुझे लेके आएगा, ये एक ऐसा टैब आएगा, सही है। ये अप्लाई लिखा हुआ है ऑनलाइन, सही है। मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे ले आया ये इसके ऊपर। अच्छा यहाँ पर वो पूछ रहा है, यहाँ पर ये नहीं है कि वीडियो को छोड़ के ना भाग गया ना कि बस जी हमें पता चल गया हमने यहाँ से फिल कर देना और सारा काम खत्म हो गया। ये कंटिन्यू उसने बताया, ये प्रोफाइल है, ये CV है, ये एप्लीकेशन सोर्स है, क्वेश्चंस हैं, फिनिश यहाँ पे आके खत्म होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस लिखें। चले मैं आपको समझाने के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो ईमेल एड्रेस मैं लिख देता हूँ।
ईमेल आ गया, सही है। यहाँ पर वो पूछ रहा है आप मेल हैं तो मिस्टर करें, फीमेल है तो मिसिस करें। ये नीचे डाइवर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मेल का मैंने कर दिया, फर्स्ट नेम वो पूछ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे वो पूछ रहा है लास्ट नेम हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है फोन नंबर हो गया। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ हम लिखेंगे यहाँ पे, सही है जी। डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ होगी। स्ट्रीट एंड नंबर, तो यहाँ पर आप अपना होम का एड्रेस लिख दें, सही हो गया जी। यहाँ पे वो जिप कोड कह रहा है, कोड हो गया। उसके बाद वो कह रहा है नेशनैलिटी सिटीजनशिप, यहाँ पे जाके आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें, सही हो गया। यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पे इसको हमने कंटिन्यू किया, आगे हमें लेके आ गया जी यहाँ पर इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली। ये है सीवी का सेक्शन, ये सीवी पहले प्रोफाइल पे था इधर, ये इधर अब सीवी पे ले आया, वो हमारा फिल हो गया। अब सीवी के ऊपर यहाँ पे कह रहा है इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली, तो अगर आपकी सीवी नहीं बनी आप यहाँ पे जाके सीवी बना सकते हो, फौरी यहीं से ही अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बनी पड़ी है तो यहाँ पे कह रहा है इम्पोर्ट योर सीवी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आ डॉक्यूमेंट, तो अगर आपके पास बनी पड़ी है तो आप यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हो। यहाँ से कह रहा है कि स्टार्ट एडिंग डिटेल टू योर सीवी फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पर आप जो है वो अपनी प्रोफाइल वगैरह मैन्युअली जो है वो अपनी सीवी बना सकते हो, कि जैसे आपने फोटो डाल दी, सारा एक्सपीरियंस वगैरह लिख के यहाँ पे आपने कर दिया। अब मेरे पास तो ऑलरेडी सीवी बनी पड़ी है, तो ठीक है मैं इंपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं इसमें सीवी डाल दूंगा, सही हो गया। तो आप इसको कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू करने के बाद आपको लेके आएगा वो इस सेक्शन के ऊपर, ये आ गया आपके सामने। ये बड़ी समझने की बात है, सही है, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपसे उसने पूछने, तो आपने ये आपने बताने हैं उनको। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो आपने यहाँ पे सैलरी का बताना है, सही है। आपकी 45,000 है, 25,000 है, 30,000 है, जितनी भी है, 80 है, 90,000 है, लाख है, कितनी यूरो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है। वो सालाना तौर पर ये पूछ रहे हैं, ये मंथली नहीं है, सही है, ये सालाना की है। तकरीबन आप इसके ऊपर 55,000 के ऊपर क्लिक करें, सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है वुड यू बी विलिंग टू रिलोकेट फॉर अ जॉब, वो पूछ रहा है कि आपको क्या आप चाहते हैं कि आप जॉब के लिए रिलोकेट किए जाएं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम यस करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज योर पीरियड ऑफ नोटिस, पीरियड ऑफ नोटिस आप 2024 करें, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे आपने देखें वो कह रहा है किस चीज की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है। आप देखें इसके अंदर ये ट्रेनिंग, डुअल स्टडी है, इंटर्नशिप है, उसके बाद करियर स्टार्ट है, ये सारा कुछ मैनेजमेंट ओपोजिशन के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि कवर लेटर, यहाँ पे जाएं आप कवर लेटर लगाएं, यूरोपास कवर लेटर आपका होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपने कवर लेटर अपलोड करना है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप 1, 2, 3 आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी रेफरेंस लेटर, कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, कोई चीज़ है तो अपलोड करें, अदरवाइज कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये अटेंशन एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अदर के अंदर अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लेटर पड़ा है कोई, तो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, उससे यह है कि आपकी फाइल ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सही है। तो अदर सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये अजर सी बात है, इससे आपका इफेक्ट अच्छा जाएगा आपके ऊपर जो है एम्प्लॉयर का, ये आपने कर दिया, ठीक है, बाकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। फिनिश एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करें, वो यहाँ पर आ गया कि जी थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है, योर एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुली सेंड, गुड लक। तो ये इतना सा इसका काम था, रख नवे नवे यार नाल यारियां ते तेनू गुड लक वहर ने। हाँ जी वीडियो आपने देख ली, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको समझ आई होगी। और अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉलें ना करने लग पड़ना, आप लोग मुझे जो है वो ऐसे लिखें, मैसेज करें आप लोग मुझे, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, आप टेंशन नहीं है। और कॉल पर अगर बात करना चाहे कोई, वो पहले मुझे मैसेज कर ले, अपॉइंटमेंट्स ले ले, उसके बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। ये कि लग्जमबर्ग के लिए इस टाइम के ऊपर जॉब वैकेंसीज चल रही हैं, अप्लाई करें, 2024 का स्टार्ट है, इसमें बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकल के आई हैं, लग्जमबर्ग के नहीं, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में निकल के आई हैं, ठीक है। बाकी इंस्टा पे भी जाके सपोर्ट करें, अब ये बात नहीं है कि जी हम व्हाट्सएप देता तो ऐसे इंस्टा देते रहा ही नहीं कर, बाकी इंशाल्लाह
ऐसी ही चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको तरीकेकार समझ आ गया होगा सब कुछ। यार आज ना सर में बहुत ज्यादा पेन है और मुझे पता है ये मैंने कैसे बनाई है, लेकिन मैं इस टाइम के ऊपर अभी इजाजत चाहता हूँ आपसे। मैंने कुछ बातें करनी थी, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में या किसी और दिन करेंगे, या जिस दिन मैं इस सब्सक्राइबर को मैं कॉल पे लूंगा। अभी नहीं, मैंने क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने कहा चले आज मैं आपको बताता हूँ, फिर उससे पूछेंगे कि आप लोग कैसे अप्लाई करते रहे हो, कितना टाइम लगा है, क्या तरीका कार है, वो सारा फिर पूछेंगे किसी दिन। बाकी इंशाल्लाह ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।